हेलो एवरीवन, आज का हमारा पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। लिखा है लेखिका मधु कांकरिया जी ने। लेखिका गंगटोक शहर में तारों से भरे आसमान को देख रही थी। उस रात में ऐसा सम्मोहन था कि वह उसमें खो जाती है और उसकी आत्मा भावना शून्य हो जाती है। वह अपने धीमे धीमे स्वर में नेपाली भाषा में सुबह की प्रार्थना करने लगती है। उन लोगों ने सुबह युमथंग के लिए जाना था। यदि वहाँ का मौसम साफ होता तो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा उन्हें दिखाई देती। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे, इसलिए लेखिका को पिछले साल की तरह अब की बार कंचनजंगा दिखाई नहीं दी। मौसम साफ होने के बावजूद भी बादल छाए हुए थे। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी कि लगभग 150 किलोमीटर। उन लोगों के गाइड का नाम जितेन नारगे था। युमथांग का रास्ता घाटियों से और फूलों से लदा फदा था, भरा हुआ था। रास्ते में उन्हें एक जगह पर सफ़ेद बौद्ध पताकाएं लगी हुई दिखाई दी। पताका यानी झंडा, फ्लैग, जो अहिंसा और शांति का प्रतीक होता है। जितेन ने बताया कि जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो यह पताकाएं लगाई जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता है। कई बार नए कार्य के शुरू होने पर रंगीन ध्वजा भी लगाई जाती है, पताका भी लगाई जाती है। जितेन ने बताया कि लॉन्गस्टोक नाम के स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। उन लोगों ने रास्ते में एक घूमता हुआ चक्र देखा, जिसे धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। लोगों का विश्वास था कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आस्थाएं, विश्वास और एक ही जगह, जैसा कि पूरे देश में हमारे पाया जाता है, हर स्थान पर वैसा ही पाया जाता है। जैसे जैसे वे ऊंचाई की ओर जाने लगे तो बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी और सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। पहाड़ियों ने बड़ा रूप धारण कर लिया था, उनका वैभव जो था बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे रास्ता घुमावदार होने लग गया था और उन्हें लग रहा था कि वो किसी हरी भरी गुफा में से गुजर रहे हैं। लेखिका अपने आसपास के दृश्यों को चुप रह करके अपनी आत्मा में समा लेना चाहती थी। सिलीगुड़ी के साथ चल रही तीस्ता नदी का सौंदर्य काफ़ी निखर गया था। उस नदी के सौंदर्य को देखकर वह रोमांचित हो रही थी और हिमालय को सलामी देती थी। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर जीप रुकती है और वहाँ की सुंदरता को वो लोग कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। झरने का पानी उनमें नई शक्ति भर देता है और उनकी बुरी इच्छाएं पानी की धारा के साथ बह जाती हैं। वे वहां से वापस जाने को तैयार नहीं थे, तो जितेन कहता है कि इससे आगे और भी अच्छे दृश्य मिलेंगे। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई जादू की छड़ी घुमा रहा है। माया और छाया का अनूठा खेल लेखिका को जीवन के रहस्य समझा रहा था और वहाँ ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य देखने में आ रहा था। सभी एक साथ सामने जो नदी बह रही थी, धुंध थी, आसमान था और हवा धीरे धीरे चल रही थी, उसे देख रहे थे। सब मिल करके हंसी बिखेर रहे थे और उस प्राकृतिक वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारा सारा अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ बह रहा था। ऐसा सौंदर्य जीवन में पहली बार देखा था। लेखिका को लग रहा था कि उसका अंदर बाहर सब एक हो गया है और उसकी आत्मा ईश्वर के निकट पहुंच गई है। मुंह से सुबह की प्रार्थना के बोल निकल रहे थे, अचानक उसका इंद्रजाल टूटा और उसने देखा कि कुछ औरतें पत्थर तोड़ रही थी।
उचकी टोकरियों में, जो पीछे टोकरियां बंधी हुई थी उनमें बच्चे थे। और यह दृश्य देखकर लेखिका सहम गई। उसे लग रहा था कि मातृत्व और श्रम दोनों एक साथ चल रहे हैं, यानी कि पत्थर भी तोड़ रही हैं और वो बच्चों को भी पाल रही हैं। तभी किसी ने बताया कि ये लोग मौत की परवाह नहीं करते और पहाड़ी रास्तों को बनाते रहते हैं। किसी ने बताया कि डायनामाइट से जब इन पहाड़ों को उड़ाया जाता है तो कुछ टुकड़े इधर उधर गिरते हैं और उस समय जानलेवा हादसा हो जाता है। मजदूरों के जीवन में आंसू, यातना और ये सब पाए जाते हैं। यह देख करके जितेन उन्हें कहता है कि देश की आम जनता है और आपको हर कहीं ये लोग मिल जाएंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, रास्ते में उन्हें पहाड़ी बच्चे मिलते हैं और बताया जाता है कि ये 3-4 किलोमीटर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं पहाड़ चढ़ करके। यहाँ पर एक या दो ही स्कूल हैं। वापस आकर अपनी माँ के साथ यहाँ काम भी करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत ही कठोर है। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती जा रही थी, रास्ते खतरनाक होते जा रहे थे। सूरज ढलने पर पहाड़ी औरतें और बच्चे गाय चरा करके लौट रहे थे। कुछ के सिर पर लकड़ियों के गट्ठर थे। शाम के समय जीप चाय के बागानों में से गुजर रही थी। कुछ सिक्किमी युवतियाँ सिक्किम के परिधान पहन करके चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी और शाम के समय पर उनके चेहरे दमक रहे थे। चारों ओर इंद्रधनुषी छटा बिखरी हुई थी। लेखिका इतना सौंदर्य देख करके खुशी से चीख रही थी। युमथांग पहुँचने से पहले वे लोग लायुंग में रुके। लायुंग में लकड़ी से छोटे छोटे घर बने हुए थे। लेखिका सफ़र की थकान उतार कर तिश्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। वह वहाँ अद्भुत शांति को प्राप्त करती है और एक दार्शनिक की तरह वह व्यवहार करने लगती है। रात होने पर सभी साथियों ने नाचना गाना शुरू कर दिया। मणि ने बहुत ही सुंदर नृत्य किया। यहाँ पर जो लोग हैं वो समुद्र तट से 14,000 फुट की ऊंचाई पर रहते हैं और प्रदूषण के कारण स्नोफॉल यहाँ कम हो गया है। एक युवक ने बताया कि कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लेकिन अभी तक उसे टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था। इसलिए अब तक का प्राकृतिक स्वरूप में जो था, लायुंग से कटायो का सफ़र 2 घंटे का था। कटायो का रास्ता काफ़ी खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों तरफ बादल छाए हुए थे। जरा सी असावधानी किसी दुर्घटना को जन्म दे सकती थी। थोड़ी दूर जाने पर मौसम बिल्कुल साफ हो गया। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। बर्फ को देखकर सभी झूमने लगे थे। लेखिका का मन बर्फ पर चलने को हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह बर्फ पर चले, लेकिन उसके पास बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे। सभी लोग फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन वह वहाँ के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियाँ दिखाई दी। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी। फौजी कड़कड़ाती ठंड में कष्ट देकर के खुद को हमारी रक्षा करते हैं। यह देखकर लेखिका उदास हो जाती हैं कि बैसाख के महीने में भी यहाँ काफ़ी ठंड है, तो पौष और माह में कितनी ठंड होती होगी, यानी दिसंबर में जनवरी में कितनी ठंड होती होगी। वहाँ का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। वास्तव में ये फौजी आज के सुख को त्याग करके हमारे लिए कल का निर्माण करते हैं। वे लोग वहाँ से वापस लौट आए थे। युमथांग की पूरी घाटियों में रोडेंड्रोडों के फूल खिले हुए थे। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ बंदर का मांस खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता है। उसने आगे बताया कि यहाँ कुत्ते का मांस भी खाया जाता है। सभी को जितेन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी बातें सुनकर लेखिका को लग रहा था कि वह सच बोल रहा है।
उसने पठारी इलाकों की भयानक गरीबी देखी है, लोगों को सुअर का दूध पीते हुए देखा था। युमथांग वापस आकर सब लोगों को फीका फीका लग रहा था। वहाँ के लोग स्वयं को प्रदेश के नाम से नहीं बल्कि भारतीय के नाम से पुकारा जाना पसंद करते हैं। पहले सिक्किम जो था स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। ऐसा करके वहाँ के लोग खुश हैं। मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर के लेखिका को बहुत हैरानी होती है। उसे लगा कि कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। लौटते हुए जितेंद्र ने कई जानकारियाँ उनको दी। रास्ते में उसने एक जगह दिखाई और बताया कि यहाँ पर देवी देवताओं का निवास है, जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। उसने बताया कि वे लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते हैं, वे लोग गंगटोक को गंतोक बुलाते हैं। गंतोक का अर्थ है पहाड़। सिक्किम में अधिकांश क्षेत्रों में टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। लेखिका को लगता है कि मनुष्य के कभी ना समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है।